आपने अच्छी क्रिकेट खेली अच्छा खेला बॉलर भी आपके अच्छे साथ दिए बैट्समैन भी आपके तकरीबन सभी ने पहले एक में ईशान किशन बहुत अच्छा खेला इंडियन टीम जो है जिस चीज़ के मानीजर वो श्रीलंका को दिखा दिया उन्होंने 200 बनाया भी फिर 200 के करीब चेस भी किया पुष्पा से मिलता जुलता भी है जडेजा के वैसे भी बहुत मिलता है और जडेजा बहुत अच्छा खिलाड़ी है अब वो आया वो उसने अपने आपको दिखाया भी इंडियन को

तो ये दो मैचेस पर आप क्या कहेंगे कैसे रहे दो मैचेस क्या वन साइड थे या कहीं ना कहीं जो है ना श्रीलंका ने अच्छा परफॉर्म किया वैसे आज के मैच में तो स्कोर अच्छा था ज़बरदस्त स्कोर दिया था सबसे पहले तमाम व्यवर्स को असलकुम इंडिया से जो एस, ए, लगाया हुआ था एक्सपेक्ट किया हुआ था कि इंडियन टीम जो है वो अब श्रीलंका के साथ खेल दिखाया उसने तो वेस्ट इंडीज़ के साथ जो वो खेल रहा था वो तो क्योंकि स्ट्रगल वेस्ट इंडीज़ भी इतना कर रहा था और ये उसके साथ खुद भी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था तो इसलिए बात बन रही थी लेकिन इंडियन टीम जो है जिस चीज़ के मैनेजर वो श्रीलंका को दिखा दिया उन्होंने टू हंड्रेड बनाया भी फिर टू हंड्रेड के करीब शेज़ भी किया तो इंडियन टीम है इतने स्टैंड लेकिन वेस्ट इंडीज़ पे लूज़ हो रहा था अब जाके थोड़ा सा बेहतर उन पर बैक टू बैक सीरीज होम ग्राउंड पे, पे मिल रहा है तो उसका फ़ायदा अब हुआ आहिस्ता आहिस्ता कुछ खिलाड़ियों को जो थोड़ा उन्नीस बीस कर रहे थे उनको उन्होंने हटाया अपने लिए रोहित शर्मा ने सेटिंग किया अपनी कप्तानी कि कोई कम्युनिकेशन मरा कुछ, 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 कुछ मामलात बन रहे थे आपस में तो उसको करके अप अपने अपने खिलाड़ियों को जो मतलब इनके लिए खेलना चाह रहे हैं रोहित शर्मा के तो उनको लेकर आया तो अब फायदा आना शुरू हुआ है अब श्रीलंका भी तीन साल हो गया दो साल हो गया काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है श्रीलंका उनकी भी टीम सेट होके नहीं दे रही है अब उसके खिलाफ भी अगर आप फंसते तो आप फिर बहुत बात बनती लेकिन आपने अच्छी क्रिकेट खेली अच्छा खेला बॉलर भी आपके अच्छे साथ दिए बैट्समैन भी आपके तकरीबन सभी ने पहले एक ईशान किशन बहुत अच्छा खेला ठीक है अयर बहुत अच्छा शेष अय्यर भी काफ़ी टाइम के बाद बहुत टाइम वो भी हो गया था इनफॉम बिल्कुल आउट फॉर्म चल रहा था अब वो इनफॉर्म आया क्योंकि आप उसको उसकी पोजीशन पे ले आए वो था वन डाउन सेकंड डाउन का खिलाड़ी लेकिन कुछ मैचों में उसको बहुत नीचे लेकर जा रहे थे अब वो आया वो उसने अपने आप को दिखाया भी इंडियन को और बहुत अच्छा खेल कर दे रहा और उसके खेल से मुझे फिर लग रहा है कि कोहली सही से आराम ना कर ले क्योंकि वन डाउन आ रहा है और बहुत तेज खेल कर दे रहा बहुत अच्छा खेल कर दे रहा फायदा उठा रहा है कहीं विराट कोहली की जगह नहीं पकड़ ले मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि रोहित शर्मा ने कहा होगा कि भाई तुम खेलो ये जगह मुझे चाहे बस ये, ये, ये जगह पे ये जगह तुम्हारी पक्की है इस जगह पे अगर कर जाओगे कुछ तो फिर तुम्हें कोई नहीं हटा सकता कि मेरे पास भी ऑप्शन होगा कि तुम्हें नहीं हटाने का नहीं। कि इस जगह को कुछ करना और वो खेल कर दिया भी इस जगह पे वन डॉन पे आपका आकर बहुत अच्छा खेल तुम्हारी कर, तुम्हारी कर दिया चौवालीस पे चौहत्तर पिछले मैच में भी बड़ा ज़बरदस्त तेज खेला तो जो उसने काम था जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता था अब वो खेल रहा है तो ये बहुत अच्छा हो गया इंडिया के लिए मिडल ऑर्डर तो उनका खेल ही रहा अच्छा चल रहा था ओपनिंग का थोड़ा सा अभी भी है वही है रोहित शर्मा जब से कप्तान है टीम तो अच्छे रिजल्ट दे रही लेकिन उसका खुद का परफॉर्मेंस बहुत नीचे जा रहा है इस चीज़ के लिए उसको एक आग मैच में वही बात है वो अभी ये क्या है होम ग्राउंड है अब होम ग्राउंड में इतना स्ट्रगल करोगे तो बाहर आपके साथ क्या होगा खेलने का ये अभी तो आपको फ़ायदा है ना होम ग्राउंड का एडवांटेज मिला बैक टू बैक होम ग्राउंड मिल रहा है और रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ी एडवांटेज ये रोहित शर्मा की अपनी कप्तानी टी ट्वेंटी वो अभी तक सिर्फ कप्तानी अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है तो इस पर अगर वो बाहर जाएगा तो बहुत फिर उस पर नज़र होगी देखा लेकिन हमारी नज़रें तो कम होंगी जिनको उसने बाहर किया उनकी नज़रें बहुत होंगी क्योंकि उनको बातें बनानी है और उनको ऑप्शन देना है कि भाई तो रोहित शर्मा के लिए बहुत टफ टाइम है उसको बहुत कुछ करना है बाहर निकलने के लिए भी और अपनी टीम को सेट करने के लिए भी तो ऐसी टीम बनाए जो अपने होम ग्राउंड में परफॉर्मेंस दे बाहर निकल के भी दें तो फिर जाके टीम बैलेंस भी बनेगी और बहुत अच्छा होगा जिस तरीके से जडेजा ने स्ट्रॉन्ग कम किया है इस पर आप क्या कहेंगे आज भी अट्ठारह बॉल पर पैंतालीस स्कोर किए पहले टी ट्वेंटी में भी जो है ना अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने पुष्पा का स्टाइल भी किया ग्राउंड में काफ़ी इंटरटेनिंग था पुष्पा से मिलता जुलता भी है जडेजा के वैसे भी बहुत मिलता है और जडेजा बहुत अच्छा खिलाड़ी है इनको बहुत जगहों पे बहुत अच्छे हर जगहों पे बहुत सहारा दिया जडेजा वो बहुत पुराना उसको बहुत एक्सपीरियंस हो गया अपने होम ग्राउंड में तो बहुत डेंजर खिलाड़ी है वो बॉलिंग भी ले लो बैठे फील्डर भी बहुत ज़बरदस्त है तीनों शोबों में बेहतरीन खिलाड़ी है वो धोनी ने खास हथियार तैयार किया और बहुत इंडिया को इससे फ़ायदा बेट दिया है जडेजा फ़ायदा बेटा अब उसी वही फ़ायदा रोहित शर्मा उठाना

हाँ अभी तक तो मतलब टीम जो उनको मिल रही है वो सारे स्ट्रगल करते हुई टीम आ रही है ना श्रीलंका भी देख लो कहीं सेट नहीं हो पा रही है ना उनका ओपनिंग है ना मिडल ऑर्डर है ना बिल्कुल वो तो काफ़ी टाइम हो गया उनको कि अलग अपने अब तक इतने है उनकी मैनेजमेंट इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है श्रीलंका से को सेट हो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ भी टैलेंट बहुत है लेकिन उनके भी कोई वजूहत होंगे जो सेट नहीं हो पा रही है बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए वेस्ट इंडीज़ भी इनको न्यूजीलैंड भी जब आया तो वर्ल्ड कप से थका आ रहा है तो इन्होंने बुरी तरह मार दिया उसको उसके बाद वेस्ट इंडीज़ है मतलब का पता तब लगेगा जब और अच्छी टीमें आएंगी बड़ी टीमें आएंगी ये बाहर निकलेंगे अभी तक तो ठीक है होम होम ग्राउंड में तो हम भी यहाँ पे बहुत कुछ लेकिन हमारे खिलाफ़ तो जब हम जीतते तो फ़ौरन कह देते सी ए बी ए डी ए हम तो ये नहीं कह रहे टीम है ठीक है वो भी अपनी टीम बना रहे हैं खेल रहे अच्छे खेलने वाले जहाँ जिन लड़कों को मौका मिल रहा उनमें भी कोई आज दो लड़के उनके भी फिफ्टी के तो है खेलने वाले लेकिन ये कि अब हमारी जो स्टैंड बनी हुई है अब हमारी है आपकी है इंडियन की जो स्टैंड अभी अपने मुल्क में वो बहुत मजबूत है अच्छी अच्छी टीमों को हम वो कर सकते हैं लेकिन पता जब लगेगा जब बाहर निकलेंगे बाहर जब थोड़ा सा हमें पोजीशन थोड़ी सी मामला नाजु, नाजुक होंगे तो उस पर फिर पता लगेगा कि हम इस मुझ परेशानी से कैसे निकलते हैं अच्छे कप्तान का पता उस धोनी क्यों कामयाब है दुनिया में आज धोनी के दुनिया में हर कोई ऐसी तारीफ नहीं करता क्योंकि वो बुरे वक्त में भी जो है ना वो टीम को आसमान में ले आता था जहाँ दुनिया देख रहा होता कि बस बुरा हाल है ले। लेकिन वो कहाँ से एक खिलाड़ी और एक बॉलर ऐसे ही यूज़ कर जाता था पूरा मैच पलट देता वो कप्तान था तो ऐसी सोच रखनी चाहिए ऐसी टेक्निक रखनी चाहिए तो फिर जाके पता लगेगा कि कितना उसमें है बैलेंस कितना वो कर सकता है तो अभी तो हम ग्राउंड पे ही है तो, अभी तक तो फायदा हो रहा अच्छा है देखे, आगे पता लगेगा कि क्या करता है सही। बाकी आपको ये सीरीज भी वाइट वॉश होते हुए नजर आ रही है कि इंडिया वाइट वॉश कर देगा श्रीलंका को हाँ श्रीलंका दो मैच जैसा हार गया है तीसरा उसके बस की बात नहीं है खड़ा होना क्योंकि उसके वेस्ट इंडीज तो फिर भी पागलों की तरह मार धाड़ करके जैसे भी करीब पो लेकिन श्रीलंका में अभी इतना नहीं है लेकिन ये कि इंडिया के ख़िलाफ़ अगर जाना है तो आपको चेस पे ही जाना है इंडिया को तो आप चेस करवा नहीं रोक सकते नहीं। क्योंकि इंडियन बॉलिंग ऐसी है कि शुरू में पावर प्ले में दो तीन ओवर जब ये नए गेंद होते हैं इंडियन बॉलर उस वक्त थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं अब मिडल में आके थोड़े से लास्ट में अगर लेकिन आप देखो तो इंडियन बॉलर थोड़े से वीक नज़र आते हैं लास्ट में स्कोर बन जाते हैं इनके खिलाफ एक बुमरा है जो जो समझ लो कि एंड में डेट ओवर बहुत अच्छा कर जाता है वरना हर बॉलर इनका है नहीं अगर आप ऐसे हर मैचों में देखो ना लास्ट में स्कोर बन ही जाता है इंडिया के लेकिन अगर आपके वो विकेट हुआ ना तो आप एंड में वही बात एक पचास पाँच ओवर में पचास साठ रन बन जाएगा अगर विकटें आपके हाथ में हो शुरू में आप थोड़ा संभल के खेलो तो इंडिया के खिलाफ चेज होना इतना मुश्किल नहीं क्योंकि एंड में स्कोर बन जाता है इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ चलिए कल पी एस एल का फाइनल भी आपके ख्याल में लाहौर कलंदर जीतेगा या मुल्तान सुल्तान शाहिन शाह आफरीदी वर्सेज मोहम्मद रिजवान क्या लगता है आपको बहुत टफ मैच है और दोनों टीमों को देख के ये तो मतलब कि अभी हवाई अंदाज़ा सब अपने अपने जिसकी वो ख्वाहिश है मुल्तान जीत जाएगा भाई लाहौर जी लेकिन दोनों टीम जितनी बैलेंस है ना जिसने बस वही कि जिसका लक कल साथ दिया और जिसने कल थोड़ा सा भी मौका दिया वो टीम गया बाहर वो टीम दूसरा टीम जिसको थोड़ा सा मौका मिल भी गया फ़ायदा मिल जाएगा वो उठा ले कल भी यही हुआ इस्लामाबाद जीत रहा था लेकिन लाहौर कलंदर को अप्रिशिएट करना पड़ेगा आखिरी ओवर तक वो हिम्मत हैं इतनी अच्छी फील्डिंग उन्होंने की है मैं तो कहता हूँ उन्होंने मैच अपनी फील्डिंग की वजह से जीता है बॉलिंग में जान मारा फील्डिंग देखो आप जब बैटिंग के बाद जो है ना और बॉलर जब बोले तो आपके पास तीसरा ऑप्शन जो आप कर सकते हो फील्डिंग ही फील्डिंग से आप बहुत कुछ कर सकते हो तो फील्डिंग से उन्होंने इस्लामाबाद को हराया बहुत कल का जो मैच है फाइनल बहुत अच्छा होने जा रहा है लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि अभी कौन जीतेगा दिली ख्वाहिश है मेरी दिली ख्वाहिश है कि लाहौर जीत जाए लेकिन इस्लामाबाद अगर आप मुल्तान को देखोगे इसके बिस्ट टीम को देखो बहुत मजबूत है तो वो भी तीनों शोबों में लेकिन इसके पास एडवांटेज है थोड़ा सा बॉलिंग लाहौर का बहुत बेहतर है मुल्तान से थोड़ा अब मेरी जो ख्वाहिश है कि कल जो है ना पहले लाहौर बैटिंग कर ले उसको चेस करवाए खुद चेस में ना जाए फंस सकता है क्योंकि इनके पास यही कि अगर फख्र गिरता है थोड़े बीच में तो फिर ये थोड़े फंस जाते हैं पहले बैटिंग कर ले तो ज़्यादा बेहतर है के लिए